हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आम की चटनी या आम की लौंजी बनाना बताऊंगी। ये खट्टी मीठी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आप साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये आम लिए हैं, इसे रात भर पानी में भिगो के रखे थे, उसे अच्छे तरह से धोकर साफ कर लिए है। इसका छिलका उतर कर हमने इसको बारीक पीसेस कर लिए है। और 1 किलो आम के लिए हमने 3 पाव गुड़ लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं गुड़ आपको कितना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने 1 चम्मच तेल लिया है, उसमें 1/2 चम्मच मेथी दाना और 1/2 चम्मच जीरा का तड़का लगाया है, और इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसमें हमने आम के जो पीसेस किए हैं वो भी ऐड कर लिए हैं। इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम गुड़ भी ऐड कर लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है, ये गुड़ पूरा मेल्ट हो जाएगा जिससे इसमें पानी छूट जाएगा, और गुड़ के पानी में ही इसको पकाना है। देखो, इसमें अब गुड़ मेल्ट हो गया है, तो किस तरह से रसीले आम दिख रहे हैं। ये पूरा अब इसमें हमने 1 चम्मच नमक भी ऐड किया है। स्वाद अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप भी इस तरह से आम की लौंजी या आम की चटनी बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।